नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बख्शी पंचकुला एग्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं जिनसे मैं बहुत समय से चाह रहा था कि हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से बता भी चुका हूं कि हम इधर चंडीगढ़ कुराली रोड पे लिखियानी परमा कल्चर फार्म्स में हम जो है क्या परमा कल्चर एक पूरा सस्टेनेबल फार्म डेवलप कर रहे हैं। तो उसी सस्टेनेबिलिटी की कड़ी में जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें जो बेसिक जरूरतें हैं, उसमें से एक मकान वाली जो चीज है, तो उस मकान के जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आज हैं, क्योंकि हम इस साइट पे जो है पूरा नेचुरल बिल्डिंग कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि अपने दर्शकों को नेचुरल बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी दी जाए, तो मुझे कई दिनों से ये हो रहा था कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्हीं से ही ये जानकारी मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपका जो है रूबरू कराना चाहूंगा श्री चिन्मय पारीख जी से। ये ब्रजी स्टूडियो के नाम से जो है पूरा अपना एक नेचुरल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आइए जानते हैं इन्हीं से ही कि ये क्या करते हैं। तो चिन्मय भैया, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन, मैं चिन्मय पारीख और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में और अपसाइकल रिसाइकलिंग और इन सब चीजों को लेके अपने आसपास लोकल अवेलेबल मटेरियल पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और बस इसी कोशिश में आप तक पहुँचे। रिस्पॉन्सिबल अर्निंग करने का जब एक समय आया, लगा कि रिस्पॉन्सिबल अर्निंग होनी चाहिए कि जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उसके लिए हम कितना सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, तो जब उसके बारे में सोचना शुरू किया तो जैसा अभी आपने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मुझे शुरू से मकान और इन चीजों को देख के पुराने, जैसे कि मैं जयपुर से हूँ आपको पता है, पुराने बहुत स्ट्रक्चर हैं और होटल इंडस्ट्री से मैं, मेरा बैकग्राउंड है, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी में हुई है, तो मैं इन चीजों से और पुराने स्ट्रक्चर से शुरू से कनेक्टेड रहा हूँ और मेरा कुछ अटैचमेंट शुरू से ही रहा है इनसे। तो रिस्पॉन्सिबल अर्निंग के नाम पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं यार बैग्स हैं, अब कुछ लोग कहते हैं ये नेचुरल बिल्डिंग नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि ये नेचुरल बिल्डिंग है, तो हम इसे, मैं पर्सनली कमर्शियल सेगमेंट पे काम करने की वजह से, क्योंकि हमें क्लाइंट को एग्जैक्ट वो डिलीवर करना होता है ताकि वो इन चीजों से दूर ना हो, क्योंकि नेचुरल बिल्डिंग से दूर होने का रीजन ये ही रहा है कि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, आपको हर थोड़े टाइम में कुछ करना है, तो एज वी यूज लाइम, तो लाइम से हम यही कर रहे हैं कि आपको मेंटेनेंस ना करना पड़े, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिले जो कन्वेंशनल के लेवल पे कम मेंटेनेंस मांगता हो। उसके अलावा उसके बेनिफिट्स जो, मैं उन बेनिफिट्स पे आपको जरूर ये बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑल दीज आर ब्रीदेबल। तो चिन्मय जी, अभी हम बात करेंगे, लेकिन आप, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ये मतलब नेचुरल बिल्डिंग में और रिस्पॉन्सिबल लिविंग में मतलब आपको आने की मतलब एक चाह कहाँ से उठी, कहाँ से आपको प्रेरणा ये करना है? चाह ऐसे उठी कि अवेयर तो थे शुरू से ही इस चीज को लेके, थोड़ा पढ़ते भी थे, लोगों के जानकारी भी थी थोड़ी बहुत, पेड़ उगाने चाहिए, ये बेसिक्स घर से भी मिले कि इनको काटना नहीं है, ये करना नहीं है। फिर जैसे जैसे आगे निकले और देखा कि प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं और ओजोन में छेद होने लगा है, ये होने लगा है, अब समझ में तो आता नहीं है, तो रिसर्च की, थोड़ा पढ़ाई की। इसी बीच में हमारे एक मित्र हैं सचिन, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे इन स्ट्रक्चर्स और इन सब चीजों के बारे में बताया कि आप रिजॉर्ट और होटल इंडस्ट्री में इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने इनकी पढ़ाई की तो हमें सबसे ज्यादा समझ में आया सेलिंग, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट की दीज आर एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर। तो एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स के नाम पे हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक मॉड्यूल बनाया कि हम लोगों को अप्रोच करने लगे कि ये बनाने से आपको ये फायदा है, ये नुकसान है, ये सब चीजें बताते 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 कुछ 8 साल लगे पहला प्रोजेक्ट लेने में, समझ में आने के बाद और पहला प्रोजेक्ट लेने में 8 साल बाद करीब 2015 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसे हमने 2015 एंड में शुरू किया था और 2016 में खत्म किया। उस वो मेरा पहला अर्थबैग था और हमने बनाया उसे, और फिर जब जो बातें मैंने जब तक थ्योरेटिकली पढ़ी थी
वो थ्योरेटिकल जब मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये एनर्जी एफिशिएंट है, वो सब देखने के बाद और मैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अर्थ, लाइक मेरे लिए ऐसा है कि मैं धरती पे रह रहा हूँ, तो डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन और ये जो चीजें हैं जिनकी वजह से अर्थ, प्लैनेट अर्थ को, मदर अर्थ को नुकसान हो सकता है, उन चीजों को कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचने लगे। तो एक बार लगा कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर अपने से सीनियर्स जो हमसे पहले लोग हैं अक्रॉस द ग्लोब, उन लोगों ने पहले ही इतना सब कुछ करके छोड़ दिया था कि सिर्फ अगर हम उस रिसर्च को या उनकी मेहनत को इस तरीके से सिर्फ इम्प्लीमेंट भी कर दें तो हमारे लिए वही काफी हो। तो रिस्पॉन्सिबल अर्निंग की बात करें तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबल अर्निंग है कि मैं कहीं भी डिफॉरेस्टेशन या डेजर्टिफिकेशन इन्वाइट नहीं कर रहा। फाउंडेशन से लेकर टॉप तक हम बिल्कुल नेचुरल आ रहे हैं और बिजली की खपत कम है। अब एनर्जी एफिशिएंट है तो अब बिजली बनाने के लिए जो नुकसान हो रहा है वो भी कम होगा। तो एट द एंड रिस्पॉन्सिबल अर्निंग मैं इस तरीके से मानता हूँ कि मेरी तरफ से मेरा पैसा कमाने के लिए या मेरा जीवन यापन करने के लिए मुझे कुछ भी बिगाड़ना नहीं पड़ रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जैसा कि आपकी मदद से हम हमेशा करते हैं कि परमाकल्चर डिजाइन, फूड फॉरेस्ट, अब आपसे मिल के हम मियावाकी और बहुत कुछ सीख चुके हैं, कर नहीं पाएंगे लेकिन हाँ हमें पता है कि ये इंटीग्रेटेड हैं अगर ये चीजें, तो ये कितनी जरूरी हैं और इनका क्या। अब ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर बनता है, इससे हम पेड़ भी उगा रहे हैं आपकी मदद से, हम हमारी जो टीम है उनकी मदद से इन चीजों को खड़ा कर रहे हैं, तो इससे भी डेजर्टिफिकेशन नहीं है। तो सीमेंट वाला पार्ट एलिमिनेट कर चुके हैं, तो सीमेंट की जरूरत ही नहीं है भाई एक्चुअली। और पुराने अपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, महल हैं, वो सब हजार हजार बारह बारह सौ साल से खड़े हैं और सब लाइन का कंस्ट्रक्शन है और सरवाइव कर रहा है सस्टेन। तो जिनमें भैया एक चीज जो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये नेचुरल बिल्डिंग में कितने तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कि क्या क्या उसमें यूज होता है, वो थोड़ा सा आप बताइए। नेचुरल बिल्डिंग मैं नहीं कहूंगा नेचुरल बिल्डिंग, मोर और लेस हम इसे कहना चाहेंगे कि दीज अर्दन बिल्डिंग, अर्दन स्ट्रक्चर्स, मड होम एंड लाइम मशीनरी। अब लाइम मशीनरी भी हम मतलब अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन वो एक मस्ट पार्ट है, वी नीड, जरूरी है। एस्थेटिकल एलिमेंट के लिए भी हम डालना चाहते हैं। बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है अभी कि एक तरफ ये चूने और इसका काम है मिट्टी का, और एक तरफ आपका बैम्बू, वुडन और ये टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर्स काउंट होते हैं वो काम होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। अब हमारे घरों में इनकी छतें भी उन्हीं पैटर्न से डलती हैं तो दोनों एक जगह है। अब अर्दन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो रैमडर, कॉब, जैसे कि कॉब इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ बिल्डिंग सिंस आई रिमेम्बर 8500 बीसी से कॉब स्ट्रक्चर्स काम आ रहे हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक स्ट्रक्चर है यूके में कुछ 1200 साल पुराना जो कॉब का आज भी एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों ये मैं पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो अर्दन स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, लेकिन भैया की बात सुन के ये समझ में आता है कि अर्दन स्ट्रक्चर्स ही लंबे चलते हैं, क्योंकि सीमेंट वाले स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता। वो तो आपको पता है उसकी लाइफ, उसकी लाइफ है वो, और वो हमें पूरे दिल्ली एनसीआर में और जहां जहां सिटीज हैं वहां जो 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो हमें सब जानते हैं कि उनकी सब पपड़ियां झड़ रही हैं और सब बिल्कुल गिरने को हो रही हैं, वो हम देख रहे हैं। फास्ट है ना सीमेंट, मतलब आपको नेचर एनवायरनमेंट किसी से फॉलो नहीं करना है, आपको एक बैग फाड़ना है, एग्रीगेट मिक्स करना है और कर देना है। अभी अर्दन स्ट्रक्चर्स की बात होगी तो प्लास्टर्स के लिए यहाँ सैंपल स्ट्राइक ऑन करेगा क्या हर जगह की, यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है कि कम है, तो वो रेशोज और वो सब चीजें एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन, एक ईयर के किस टाइम काम कर रहे हैं उस तक का फर्क पड़ता है इसमें। तो वो सब चीजें ईज करने के लिए, जैसे आज अपना एंड्रॉइड आ गया है कि
ना लैपटॉप चाहिए ना कंप्यूटर चाहिए ना कोई लैंग्वेज आपको सीखनी है ना कुछ करना है, तो ईज करके हाथ में एक सिस्टम पकड़ा दिया। तो वो सेम सिस्टम इज सीमेंट वाला कि अपन सीमेंट से बना रहे हैं, एक बैग फाड़ना है, वही 1:4 का 1:3 का 1:7 का एग्रीगेट ऐड करना है और उसके साथ कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना है और फास्ट सेटिंग है, सब कुछ वही है। और सीमेंट बनती लाइन से ही, सीमेंट बनती तो लाइन से ही, लाइन इज द कंपनी। तो बस ये है कि मेहनत नहीं सीमेंट में। और अगर अर्दन की बात करें तो सेडिमेंटेड रॉक्स होते, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा कि जहां से मैं आया हूँ वहां एक पहाड़ श्रृंखला है जिसको अरावली कहा जाता है और तो पूरा दिल्ली इधर गुड़गांव तक टच होती है, बिल्कुल गुड़गांव तक टच होती है आपके। और एक जहां के टच के नीचे अभी मैं बैठा हुआ हूँ हिमालय, तो हिमालय आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया एंड अरावली इज द ओल्डेस्ट। तो आप वहां जाएंगे हिमालय अगर आपका, तो मेरे को पता है खूब चक्कर लगाए, तो हम मिट्टी ऐसे निकाल सकते हैं हाथ से या किसी पत्थर के छोटे से टुकड़े से ऐसे स्क्रैच करके हम वहां से निकाल सकते हैं मिट्टी, लेकिन अरावली से ये नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सेडिमेंटेड रॉक में कन्वर्ट हुआ है। और सेडिमेंटेड रॉक में कन्वर्ट हुआ है क्ले एक्टिवेट होने की वजह से जो सेडिमेंटिंग का प्रोसेस बना। तो अगर आज आप मिट्टी का घर बना रहे हो और उसे इवनली मेंटेन करके चल रहे हो तो एक समय के बाद वो पत्थर बन जाएगा। तो अब एज की अगर हम बात करें तो एज इन केस ऑफ लाइम एंड अर्थ, तो जितना समय बीतेगा ये उतना स्ट्रांग होगा, ये बच्चे से बड़ा हो रहा है। अच्छा। सीमेंट की कहानी है कि उसकी एक एज है, अब वो बुढ़ापे की तरफ चल पड़ा है और वो खत्म हो जाएगा और ये जवान होता जाएगा, ये जवान होता जाएगा। और अगर हम बात करें तो सेडिमेंटेड रॉक्स तो आज बिना डायनामाइट के नहीं उड़ाए जाते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई अर्थवैक आज इतने साल बाद और शायद कुछ बहुत लंबे समय के बाद अगर इन्हें देखा जाएगा तो ये स्टोन होगा। और अभी भी ये टैंप होने के बाद आप फील कर सकते हैं कि कितना बिल्कुल, अभी हम ये जो है अर्थवैक हमने फिल किया हुआ है इस साइड पे, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल ठोस है, अभी हमने इसमें जो है वो मिट्टी ही भरी है यहाँ की लोकल, लोग कुछ भी नहीं, यहीं से निकला यहीं जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी लोकल अवेलेबल मटेरियल। मगर मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसमें करना पड़ता है एंड मैं एडमिट करता हूँ कि मैं कोई कंप्लीट नेचुरल बिल्डर नहीं हूँ। मगर जहां तक मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ कि आप सीमेंट ना लगाएं, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमा रहा हूँ, मेरी वजह से धरती माता को कोई नुकसान नहीं है, ये मेरा सोचना है। और अगर हम लाइम की बात करते हैं तो लाइम में कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है, कार्बोनेशन के प्रोसेस से आप ये मानिए कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट मेरे वर्ड्स गलत हो सकते हैं लेकिन मोर और लेस वो मार्बल का स्टोन बनेगा। तो दोनों ही हाल में इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टोन। तो इसके कच्चे होने का और ये कच्चा होने का जो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये कच्चा घर क्यों है। लोग क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं, मतलब गांव में भी ये है कि भाई पक्का घर बनाना है, सीमेंट का पक्का घर है, सीमेंट का घर पक्का, जबकि एक्चुअली में पक्का ये होता है, सीमेंट का कच्चा होता है क्योंकि वो 20-25 साल बाद उसकी लाइफ लगभग खत्म होने लगी, 50 साल में आपको करना पड़ेगा। और अगर जो 50 साल से लंबी की सोच के बना रहे हैं तो उनका लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट, मेटल डेरिवेशन फ्रॉम द लैंड, मतलब जितना भी अगर मेटल निकाल रहे हैं तो मेटल भाई अपन कह देते हैं कि मेटल है, लोहा है, ग्रीन मटेरियल। अब हम बात करें तो अर्थन स्ट्रक्चर्स का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेडिमेंटेशन ने या सेडिमेंटेड रॉक, मैं शब्दों में गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ नहीं, होटल इंडस्ट्री का आदमी हूँ और नेचुरल बिल्डर बाय प्रोफेशन नहीं हूँ, बाय पैशन। तो मैं जैसे जैसे किताबें पढ़ के सीखता, लोगों से मिलता हुआ, लोगों के पास वॉलंटियरिंग करता हुआ सीखता आ गया। अब वही कार्बोनेशन की बात करें लाइम के केस में तो ये भी स्टोन बन रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब स्टोन लगा के स्टोन गिराना वो दैट इज डिफरेंट, और एक किसी एलिमेंट को इस तरीके से रख देना कि वो स्टोन बन जाए, तो अपन उन मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं। अब इसमें स्टाइल्स बहुत सारी हैं, जैसा कि मैं आपको कॉब के बारे में बता चुका हूँ कि कॉब इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये 8500 BC से ऑन है और अभी तक चालू,
एंड मेरी नज़र में जितने भी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आज की डेट में, चाहे हम बात करें हॉबिट होम्स की या इस तरीके के जितने भी अर्धन स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब पॉप से सब पॉप, वो एक बॉल है जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि वो गोल धरती गोल कॉब की बोल गोल सब गोल, तो राउंडेस्ट साउंड, तो साउंडेस्ट मटेरियल काम आ रहा है, अर्थ है, अर्थ से अर्थ कनेक्ट होगी, जो इट विल बिकम वन, जैसे सेडिमेंटेड का प्रोसेस इसमें होगा वही प्रोसेस अर्थ के साथ अर्थ धीरे धीरे कनेक्ट होती चली जाएगी। अब फाउंडेशन और प्लिंथ इसीलिए डालनी पड़ती है क्योंकि जगह का, अभी हमारे यहाँ क्ले सॉइल है जब बहुत ज्यादा बारिश, तो इसकी फाउंडेशन डिटेल्स भी बिल्कुल अलग तरीके से हैं। अब हमारे पास कुछ इसके ज्ञाता भी हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जिन्हें हम जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, तो जो आपके गवर्नमेंट के रेगुलेशन हैं और ये सब हैं, ये सब इनकॉर्पोरेट करके इसमें डाल रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन जीरो है और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और अगर अपन बात करें तो फाइव एलिमेंट पंच तत्व, तो पंच तत्वों में से सबसे सॉफ्ट एलिमेंट जिसको कहते हैं मदर अर्थ, तो अर्थ एज एन एलिमेंट आप इसे कैसे भी मोल्ड कर सकते, आप इसमें खाना भी खा सकते हो, आप इसके अंदर रह भी सकते, आप इसी पे मतलब आपको चूल्हा बनाना है चूल्हा बना दो, आपको ये बनाना है आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, लिमिटेशन नहीं है, बस मेहनत ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और बेसिकली बात करें तो अगर आज कोई ब्रीदेबल स्ट्रक्चर के अंदर अपन बैठे हैं या अपन एसी नहीं चला रहे, जो कि अब मेरी नज़र में बहुत बड़ा अभिशाप है आज की डेट में, कि अगर भाई कोई चीज़ है जो चीज़ आपको ड्राई कर रही है और 72-75% वाटर का होल्डर लेके अगर अपन एसी के सामने बैठे हैं तो अपन वो ड्राई कर रहा है सब चीज़, तो अब टेक्निकली तो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे बहुत दुख मतलब परेशानी होती है अगर मैं एसी में रहता हूँ। पिछले दो साल से मैंने कोशिश की है एक बिना एसी में खुद रहने के और अपने बच्चों को रखने की, अभी तक तो हम सर्वाइवल पे हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि कॉब स्ट्रक्चर है, इसके अलावा भी कोई और? हाँ जी बिल्कुल, बहुत टेक्निक्स हैं, कॉब है, वॉटर एंड डॉब है, रैम्ड अर्थ है, टिम्बर एंड कॉब है, बैम्बू एंड कॉब है, उसके बाद आपका अगर वॉटल एंड फिर आपके कॉप स्ट्रक्चर मैं आपको बता ही चुका हूँ, बस मेन फॉर्म्स यही हैं, बाकी आप इनको मोल्ड करते चले जाएं। फिर हाँ आई फॉरगॉट माय लव अर्थ बैग्स, अर्थ बैग्स, अर्थ बैग्स ये, और अर्थन कंस्ट्रक्शंस का मेन सेगमेंट यही है। अब इसमें एलिमेंट्स रूफिंग के लिए अलग हैं, तो अब उसके लिए यूकेलिप्टस, मैं प्रेफर यूकेलिप्टस करता हूँ क्योंकि वो ऑल वेदर लकड़ी है, तो बस यही नेचुरल बिल्डिंग के यही कंपोनेंट्स हैं। और मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो अर्थबैक्ट कैसे भी टर्न कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, 1.5 फुट की वॉल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद अगर आपको दिन में एसी नहीं चलाना पड़ रहा है, आप एक पंखे में सर्वाइव कर रहे हैं, तो थर्मल मास की वजह से मतलब थर्मल मास जो क्रिएट होता है जो बोरिंग के पानी में हमें हमेशा मिलता है कि जितनी गर्मी होगी और गर्मी का समय होगा तो वो पानी ठंडा मिलेगा, और जब सर्दियां आ जाएंगी तो वो पानी गुनगुना मिलेगा, तो बस वही एक मदर अर्थ का वूम गर्भाशय वो आप तैयार कर रहे हैं। मैं तो लिविंग रूफ जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया और आपने लिविंग रूफ पे जाना तुरंत एक बार में कहा, तो अब एक ये माँ की कोख की तरह एक पूरी चीज बना दी गई है अर्थ पे, तो वो उस अर्थ के स्ट्रक्चर के बीच में आप बैठे तो नथिंग लाइक इट, वही वही सब कुछ है जो आपको एक पेड़ के नीचे बैठ के सुकून मिलता है, चाहे कोई टेम्परेचर हो, कुछ भी हालात हो, जब एक दूसरे से हमारी ब्रीदिंग वो साइकिल कनेक्ट होती है, व्हेन इट मेक कोई भी चीज अगर साइकिल बन रही है तो ये जनरली बाहर और अंदर के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस रहता है एवरेज? एवरेज मतलब मैं ना परसेंटेज में और वैसे नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि मैं देखिएगा टेक्निकली इतना ज्यादा वो नहीं, मतलब मगर स्ट्रेट रिडक्शन ऑफ व्हाट आई थिंक इज 30-40% 30-40% हाँ 25% तो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड बोर्ड्स वाले क्लेम करते हैं, जो SIP पैनल्स हैं, स्ट्रक्चरली इंसुलेटेड पैनल,
उनपे वो करते हैं स्ट्रेट रिडक्शन ऑफ 25, मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि राजस्थान की गर्मी में जब 50 का और 48 का पारा मार रहा होता है तो इसके अंदर एक पंखा का आपने मतलब मैं परसेंटेज में थोड़ा सा वीक हूँ टेक्निकली। देख सकते हैं दर्शकों के इस स्ट्रक्चर के कितने फायदे हैं, और जो हमें चिन्मय भैया ने बताया कि इतने मतलब ये एक आपकी ब्रीदेबिलिटी जो साइकिल है उसको भी बैलेंस करता है और जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है, और एक तरीके से आपको एक मतलब सेफ्टी जो एक माँ के गर्भाशय में होती है वो भी ये प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हम इस साइट पे बना रहे हैं लिखियानी परमाकल्चर फार्म्स में उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि उसके बारे में मैं भी बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ भैया ही बताएं। तो भैया ये हमने एक स्ट्रक्चर जो इसमें अभी फाइनलाइज किया हनीकून स्ट्रक्चर, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप बताइए कि ये मतलब ये स्ट्रक्चर क्यों हमने लिया है वो थोड़ा सा आप बताइए, इसका क्या फायदा है। देखिए ये बी हाइव है, ये बी हाइव जो स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है ये इंस्पायर्ड है बी हाइव से, और ऐसा कहते हैं कि शायद जिस दिन मधुमक्खी सारी खत्म हो जाएगी उसके कुछ घंटों बाद भी इस धरती पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो की इंस्पिरेशन और बी हाइव के डिजाइन के लिए जो ये फार्म बनवा रही हैं लेखियानी मैडम आंटी हमारी, तो उन्होंने सेलेक्ट किया है, हमने उन्हें कई ऑप्शंस दिए थे उनमें उनको ये बी हाइव बहुत पसंद आया, और शहद रहता है बी हाइव में, मेरी इसको लेके फीलिंग मतलब यही है से इकट्ठा करके जो उसका वो होता जो है। सारा मतलब अब यही इसी फार्म से, इस फार्म में आपने परमाकल्चर का इतना बड़ा सेटअप किया है फूड फॉरेस्ट और पूरे विंड ब्रेकिंग ट्रेंचिंग जो भी सारी चीजें हैं, अब इन सब का जो एनर्जीज हैं और जो मैं तो कहता हूँ सत्व जो है कंसेंट्रेटेड पार्ट वो यही है। तो मेन रीजन यही था कि बी हाइव पे जाने का, बी हाइव डिजाइन क्रिएट करने का, और इस स्ट्रक्चर को लेके ये है कि एनर्जी एफिशिएंट हो, हम नेचुरल लाइटिंग्स नेचुरल एयर वेंट्स और नेक्स्ट फेज में पैसिव कूलिंग टेक्निक्स और एक जो बी हाइव वाला दिल्ली के मैं नाम तो याद नहीं है मगर वो पीस ऑफ आर्ट इतना बढ़िया है, उन लोगों ने अर्दन सिकोरों के साथ पानी का फ्लो करा के और नेचुरल एसी बनाया है, तो वो भी हम यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से मतलब जितना एलिमिनेट कर सकते हैं उतना एलिमिनेट कर दें कि जितना कम नुकसान हो धरती को वो करते रहे। अब इनकी कनेक्टिविटी में ये सब एक दूसरे के साथ अर्थ अर्थ, आप अगर कुछ उगा रहे हैं तो वो भी मिट्टी में उग रहे हैं, मैंने घर बनाया वो भी मिट्टी में ही बनाया मिट्टी से ही बनाया, तो ये सब एलिमेंट्स एक साथ चलें और एक प्रॉपर साइकिल बैठे जिसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। और जैसा कि आपका फार्म का कंसेप्ट है कि इट शुड बी अ सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल कि जिसके उससे आप और लोगों को भी पास के गांव वालों को भी, जैसा कि आप बता रहे थे पानी बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, तो एज एन परमाकल्चर टेक्निक जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो लेके अगर पानी बहुत है, यहाँ मैं नहीं कहता पानी की कोई कमी है मगर जरूरत अभी जैसे पहले और जगह भी हुआ करता था और अब संरक्षण की जरूरत पड़ रही है तो वो जो है वो ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल वो हमें अभी से सोच के करना पड़ेगा, और वो मैंने इस साइट में जो है पूरा प्लान किया है कि हम उस चीज पे बिल्कुल आपसे प्लान किया पहला है ही बैठे सबसे पहला ही जो हमने काम किया वो पानी पे काम किया, सबसे पहला जब जेसीबी आई तो यहाँ पौंड खुदा और उसके बाद जो है ट्रेंचिंग हुई, उसके बाद हमने कुछ काम यहाँ इस साइट पे शुरू किया है। तो आइए अब एक बार देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये आपका बेडरूम टू है, ये स्टोर है, वो बेडरूम वन है, और हम इस रूम में आ रहे हैं, ये एंट्री गेट है, यहाँ हमने सीटिंग दी है, हमने वास्तु को ध्यान में रखते हुए। और बैग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो दीज आर बैग्स जो खाली बैग्स आते हैं जिसमें सीमेंट और बहुत सी चीजें पैक होके बेची जाती हैं, उन बैग्स में हमने यही कि ये इस अर्थ को बिल्ड किया है,
और उसके बाद ये वायर्स ताकि ऊपर वाला बैग इससे ना भागे, और इसे वेलक्रो मोटर कहा जाता है। दिस इज वेलक्रो मोटर फॉर अर्थ बैग जॉइंट। तो जैसे लोग और सीमेंट मसाला या चीजें लगाते हैं, वैसे ही एक बैग को दूसरे बैग से जोड़ने के लिए ये मोटर यूज होता है। ठीक है। और बीहाइव शेप है, तो बीहाइव की अपनी एक क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से चीजों को स्टोर किया जा सकता है और स्टोर करते हैं, तो वैसे ही इसको बीहाइव में बनाया है। और वही सब चीजें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि एनर्जी फॉर्म्स और एनर्जी स्ट्रक्चर्स कैन बी क्रिएटेड एंड कॉन्सक्रीटेड। और हम लोग जिस सनातन धर्म से हैं उसमें वैदिक आर्किटेक्चर का अपना एक चैप्टर है पूरा, कि कौन सी चीज कैसे बनाई जानी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या उनके रेशोज एंड प्रपोर्शन होने चाहिए। इस पे हमारा मयमतम करके एक पूरा वो है वैदिक आर्किटेक्चर पे, कि घर कैसा होना चाहिए। और वो तो हर चीज आप भी देखें कि हर चीज किसी ना किसी तरीके से नेचर से इंस्पायर्ड है या आदमी के ह्यूमन एनाटॉमी से इंस्पायर्ड है। तो वैसे ही हम बीज के इस फॉर्म को लेके और एक स्पेस बना रहे हैं जहां पे पूरे दिन की मेहनत करने के बाद मधुमक्खी की तरह अगर आदमी आके बैठे तो एनर्जी फॉर्म और शेप की वजह से उस चीज का अनुभव ले सके। तो इसमें भैया एक चीज और बताइए कि जैसे हम इसके जनरली ये लोगों ने शायद ना सुना हो या वो नहीं जानते हो, इसमें अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम भी डाल रहे हैं और लिविंग रूफ दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि वो हम कैसे करेंगे। इसके ऊपर एक रूम बनेगा, तो ये एक मिथ की एक फ्लोर से ऊपर दो फ्लोर जो लोग करते नहीं है। बाकी कॉप के स्ट्रक्चर्स बहुत हैं, मतलब एन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर की जिनमें सेकंड स्टोरी, लॉफ्ट बिल्डिंग, लेवल मैनेजमेंट वो सब होता है। इसमें हम कर रहे हैं कि इसमें हम ऊपर एक रूम देंगे, उस रूम की ओपनिंग के बाद ये जो बाकी का हिस्सा है जो आपका स्टोर और बेडरूम उनका एरिया है उसके ऊपर पूरी लिविंग रूफ आएगी। और उसकी वजह से स्ट्रक्चरली कभी यहाँ पे मतलब दिन में नेचुरल लाइट रहेगी, नेचुरल एयर वेंट्स रहेंगे और ये सब चीज रहेगी। और एयर अगर 14 इंच के बाद मिट्टी ट्रेवल करके आ रही है तो वो अपना हीट और बाकी चीजों को छोड़ती भी आती है, तो वो सब चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। तो रादर देन वेस्टिंग, जैसा कि आपका प्लान था कि फूड फॉरेस्ट और ये सब, तो उसी तरीके से थोड़ा सा लॉन जो कि अब एक नॉर्मली आदत बन चुकी है, तो इसके ऊपर गार्डन लगा दिया है लॉन लगाने की। और साइड साइड में कुछ वेजिटेबल्स, क्योंकि उस पे मैं ज्यादा नहीं, मेरे खुद के स्ट्रक्चर्स के लिए मैं आपसे राय लेता हूँ जी और आपसे करता हूँ। तो प्लांटेशन पैटर्न और वेस्टेज ऑफ लैंड ना, लॉन लगाना जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि लॉन लगाना इज वेस्टेज ऑफ लैंड, बिल्कुल, तो मगर वो रिक्वायरमेंट भी है क्लाइंट के एंड से, तो वो दोनों को फुलफिल करते हुए एक बीच का रास्ता निकाला है। तो ये दोनों हिस्से की जो छत है उस पे पूरा गार्डन होगा, और जिसमें अभी हम खड़े हैं इसके ऊपर सेम इसी शेप का एक रूम। ठीक है। और ये जो अंदर की दीवारें हैं ये वाटरलैंड डॉप से आ रही है, और इसमें भी कॉम्बिनेशन है, अर्थ बैग है, लाइम एंड स्टोन मशीनरी है, और उसके बाद वॉटर एंड डॉब है, फिर लाइम के वाटरप्रूफ प्लास्टर्स हैं, रेंडर्स हैं, जो भी रेंडर है वो सारा लाइम वाटरप्रूफ है, और अंदर क्ले प्लास्टर्स, बाथरूम के लिए तेदलक, फ्लोरिंग के लिए क्ले फ्लोरिंग, ये सब चीजें इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। भैया आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि हम लोगों को आपसे रूबरू कराएं और जो इस तरीके के अर्दन स्ट्रक्चर्स हैं वो लोग भी उसको समझें और लोग भी उसको अपनाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आगे भी इसमें हम जो भी अपडेशन हमारी होती रहेगी वो हम आपको जरूर देंगे आगे वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आप जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक बटन दबाएं और हमारी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग भी इससे बेनिफिट उठा पाएं।
और आगे ऐसी वीडियो आप और भी मिलती रहें तो आप बेल आइकन जरूर दबा के रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।